गुड मॉर्निंग ऑल टिल नाउ वी हैव स्टडीड सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन मोर टॉपिक दैट इज बैटरीज आई होप यू नो वेरी मच अबाउट बैटरीज बट टेक्निकली अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी एक सेल का मतलब होता है वन पेयर ऑफ एनोड एंड कैथोड कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जब आप एक कैथोड और एक एनोड को एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो दैट पेयर ऑफ एनोड एंड कैथोड एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज़ कॉल्ड अ सेल और ऐसे बहुत सारे सेल्स को यानी बहुत सारे पेयर्स को जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड अ बैटरी तो कम से कम दो सेल्स ज़रूरी हैं सीरीज में कनेक्ट होना तब आप उस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी कह सकते हो सीरीज़ कनेक्शन का मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते हो एनोड इज़ कनेक्टेड टू कैथोड एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू एनोड यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव से आप कनेक्ट करते चलिए एक लाइन में तो दैट कनेक्शन इज कॉल्ड अ सीरीज बैटरीज कितने टाइप की हो सकती हैं या बैटरीज के अंदर जो आप सेल यूज कर रहे हो वो सेल कितने टाइप के हो सकते हैं तो थ्री टाइप के सेल्स हैं प्राइमरी सेल्स सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल्स प्राइमरी सेल्स क्यों बोल रहे हैं इनको क्योंकि इनका जो रिएक्शन है वो प्राइमरी रिएक्शन होता है प्राइमरी मीन्स एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है बैकवर्ड रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल तो आप ये कह सकते हो कि जो रिएक्शन है दैट इज़ ऑफ इरिवर्सिबल टाइप स्पॉन्टेनियस क्यों क्योंकि ये जो बैटरीज हैं ये सब एक्चुअली वोल्टेक सेल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे तो इनका जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही होगा <coughs> तो इन प्राइमरी सेल्स स्पॉन्टेनियस इिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड दीज सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो गए हैं यू हैव कंज्यूम्ड द होल इलेक्ट्रोलाइट उसके बाद इसको यूज करना इम्पॉसिबल है अगर हम चाहें कि इसको चार्ज कर लें तो ये सेल चार्ज नहीं होते तो ये री नहीं करे जा सकते सेकेंडरी सेल्स सेकेंड टाइप सेकेंडरी सेल्स में भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होता है बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर इट मीन्स कि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है तो ये बैकवर्ड में भी प्रोसीड कर सकती है अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते समय ये वोल्टेक सेल की तरह बिहेव कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो जब आप इसे चार्ज करोगे तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरह से बिहेव करेंगे सो स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी सेल्स दूसरा जैसा अभी बोला कि दे कैन बी रीचार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट इनका कंज्यूम हो जाता है उस इलेक्ट्रोलाइट को अपने इनिशियल फॉर्म में वापस लेकर आना पॉसिबल होता है एंड नेक्स्ट इज फ्यूल सेल फ्यूल्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं फ्यूल्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कंबसशन के बाद या ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी और हीट प्रोवाइड करते हैं मेनली फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फ्यूल सेल्स में भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होता है लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो भी सकता है और रिवर्सिबल नहीं भी हो सकता वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्यूल सेल हम काम में ले रहे हैं कंटीन्यूस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय कंटीन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल जब तक आप फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहेगा तो कंटिन्यूस टाइप ऑफ सेल होता है ये इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार एक मटेरियल ख़त्म हो गया उसके बाद आपको इसको रिचार्ज करना पड़ेगा या एक बार मटीरियल ख़त्म हो गया तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते इनका मटीरियल कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि उसकी रेगुलर सप्लाई होती रहती है और वो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते रहता सो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरी सेल्स इन डिटेल तो जैसा डेफिनेशन हम पढ़ी चुके हैं प्राइमरी सेल्स का इन प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एक ही बार रिएक्शन होती है और एक बार रिएक्शन होने के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में एंड आफ्टर यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंटिन्यूस पीरियड तक जब आप उसे काम में ले लेते हैं देन बैटरी बिकम्स डेड वो बैटरी डेड हो जाती है और उसके बाद आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. दीज हैव इ रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इनका जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस तो होता है लेकिन इ रिवर्सिबल टाइप का होता है और क्योंकि इनका रिएक्शन इ रिवर्सिबल टाइप का होता है दैट्स वाई दे कैन नॉट बी रीचार्ज क्योंकि आप उनके रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हो दीज सेल्स हैव अ डेफिनेट शेल्फ लाइफ आफ्टर विच दे कैन नॉट बी यूज इनका एक एक्सपायरी डेट होता है उस एक्सपायरी डेट तक अगर आपने यूज कर लिया तो ठीक है अदरवाइज वो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाते हैं सेल्फ डिस्चार्ज क्यों हो जाते हैं उसका एक रीज़न है आप सोच सकते हैं ये चीज़ कि जब तक सर्किट पूरा नहीं होता तब तक सेल वर्क नहीं करता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है और एयर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की हेल्प से एक सर्किट अपने आप डेवलप हो जाता है और ये सेल स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डिस्चार्ज होना शुरू कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद टाइम लिमिट के बाद ये सेल ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी सेल इज़ लेकलॉन्ची सेल ये लेकलांची सेल को ड्राई सेल भी कहते हैं ड्राई सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है ये इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेल बहुत कॉमनली हम अपने घरों में यूज करते हैं सो दैट इज लेकॉन्ची सेल ये इनके डिस्कवर के ओनर ओनर में ये चीज़ यहाँ पे इनका uh, नाम दिया गया है लेकलॉन्ची सेल अदरवाइज दीज आर ड्राई सेल्स तो आप ये देख रहे हो उसका जो केस है वो केस बड़ा ब्यूटीफुल सा बनाया गया है सो दैट इज़ रैप्ड बाय अ पेपर कंपनी का जो भी ब्रांड नेम होता है उससे इसको कवर किया जाता है ये इसके प्रोटेक्शन के लिए भी होता है अदरवाइज जब आप इस केस को हटाएंगे ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को जब आप हटा देंगे तो उसके अंदर से ग्रे कलर का एक केस निकलता है दैट ग्रे कलर्ड केस इज़ मेड ऑफ जिंक जो कि एनोड का काम भी करता है तो इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो इसका कंटेनर है दैट इज मेड ऑफ जिंक जो एनोड है उस जिंक एनोड के अंदर उस केस के अंदर एक ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का रॉड होता है जो कैथोड की तरह से वर्क करता है यू कैन सी द ए एरोज देखते जाइए साथ साथ ये जो ग्रेफाइट का रॉड है ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है ये किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में तो कैथोड जब कंज्यूम होगा तो कंज्यूम होने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं एमेनो टू पाउडर मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का पाउडर होता है अलॉन्ग विद कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक इज नथिंग बट द पाउडर ऑफ कार्बन तो इस ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ एमेनो टू और कार्बन का मिक्सचर भर दिया जाता है और उसे एक पेपर बैग से या बिल्कुल फाइन मसलिन क्लॉथ का जो बैग होता है उससे कवर कर दिया जाता है तो ये जो पूरा मिक्सचर हो गया ग्रेफाइट रॉड एमेनो टू पाउडर एंड कार्बन पाउडर इट बिहेव्स एज कैथोड तो एम एन ओ टू यहाँ पर कंज्यूम होता है एक्चुअली ना तो कार्बन का कंजम्पशन होता है ना ग्रेफाइट का कंजम्पशन होता है उसके बाद इसके चारों तरफ यानी इस पेपर बैग के चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है दैट इलेक्ट्रोलाइट इज मॉइस्ड पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली हमें जो नीड है वो अमोनियम क्लोराइड की नीड है और यहाँ पे हमें जिंक क्लोराइड की रिएक्शन में ज़रूरत नहीं है लेकिन जिंक क्लोराइड की वजह से ये सेल लीक प्रूफ बन जाते हैं वो कैसे बनते हैं हम बाद में देखेंगे तो कुल मिला के जो पूरा सेटअप है उसमें ग्रेफाइट रॉड इज़ बिहेविंग एज कैथोड जिंक कंटेनर इज बिहेविंग एज एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हमने काम में लिया है यहाँ पे जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड एम और कार्बन का पाउडर ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ भर दिया जाता है जो कैथोड का काम करता है कार्बन पाउडर को इसलिए भरते हैं क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यूटी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए यहाँ पे कार्बन की हमें ज़रूरत पड़ती है ये था इसका स्ट्रक्चर इसके बाद इसका लैब फॉर्म आप देख लीजिए आपकी लैब में भी फिजिक्स लैब में आपको मिल जाएगा लेकलांची सेल वो इस फॉर्म में मिलता है ब्लैक कलर का कवर और उसमें एक दो आपको इसमें टर्मिनल्स दिख रहे होंगे एक बीच में देखिए बिल्कुल येलो कलर का टर्मिनल दिख रहा है वो ब्रास का बना हुआ टर्मिनल होता है और एक वायर निकला हुआ होता है जो एनोड से कनेक्टेड होता है तो इसमें एनोड की जगह पर एक जिंक रॉड काम में लिया जाता है और इस जिंक रॉड को अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया जाता है फिर इसमें एक पोरस कंटेनर रखा जाता है जो सिरेमिक का बना होता है और उस पोरस कंटेनर में कार्बन का रॉड डिप कर दिया जाता है और इस पोरस कंटेनर के अंदर मैंगनीज डाईऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भर दिया जाता है और फिर जो जिंक रॉड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से और जो कार्बन का रॉड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके ऊपर जो कैप्स लगे हुए हैं वो ब्रास के कैप्स होते हैं ये लैब में यूज होने वाला लेकलॉँची सेल का फॉर्मेट है नाउ द रिएक्शंस टेक प्लेस इन लेकलान्ची सेल सो एनोड इज मेड ऑफ जिंक कैथोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट रॉड अलोंग विद मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन इलेक्ट्रोलाइट इज मॉइस्ट पेस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड रिएक्शंस में क्या होता है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज तो जिंक लूज इलेक्ट्रॉन्स जिंक का जो कंटेनर है वो कंटेनर ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाता है बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स यू कैन सी द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है और जो जिंक प्लस टू बन रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है सो इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज कैथोड पर क्या होता है जो मैंगनीज डाई का पाउडर है वो पाउडर इलेक्ट्रॉन लूज करता है मैंगनीज सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए यहाँ पे टू मैंगनीज़ चाहिए तो वो टू मैंगनीज़ टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके मैंगनीज़ प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये यह यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एम एन ओ ओ एच और अमोनिया क्या काम करता है अमोनिया यहाँ पे एक हाइड्रोजन को लूज करने का काम करता है और अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो अमोनियम आयन्स यूज़ हो रहे हैं बाय द यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड अब ये जो अमोनिया गैस बनती है ये गैशियस फॉर्म में होने की वजह से सेल से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो अगर ये अमोनिया को किसी तरह से ब्लॉक नहीं करेंगे तो ये सेल को कंटेनर को फाड़ के बाहर निकल जाएगी तो कंटेनर में क्रैक्स आ जाते हैं उसकी जॉइंट खुल जाते हैं और सेल लीक करना स्टार्ट कर देता है तो जब सेल लीक करता है तो उसमें से सिर्फ अमोनिया बाहर नहीं निकलती है बल्कि अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट वो भी बाहर आने लग जाता है तो सेल ख़राब हो जाता है तो इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जिंक क्लोराइड मिलाया जाता है तो जिंक क्लोराइड की बहुत स्मॉल क्वांटिटी भी सफिशिएंट है क्योंकि वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेती है दैट इज टेट्रा अमीन जिंक आपको ये फॉमूला दिख रहा है या स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये टेट्रा अमीन जिंक आयंस जो है वो अमोनिया को ब्लॉक कर लेते हैं और इस वजह से सेल लीक प्रूफ रहता है तो अगर जिंक क्लोराइड अवेलेबल नहीं है तो सेल लीक करेगा तो इसलिए यहाँ पे जिंक क्लोराइड को यूज़ किया जा सकता है नाउ द वोल्टेज ऑफ सेल वोल्टेज इज वन पॉइंट फाइव वोल्ट आप चाहो तो ट्राई कर लेना आपके एन सी आर टी में पीछे अपेंडिक्स जो होता है उसमें एक टेबल दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा कंप्लीट टेबल गिवन है और उस कंप्लीट टेबल में आप मैंगनीस का प्लस फोर से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन के, के कंटेक्स में ई नॉट का वैल्यू देख सकते हैं जिंक के लिए ई नॉट का वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट होता है तो ई नॉट सेल यहाँ पर वही फार्मूला लगा कर निकाला गया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कैथोड यानी मैंगनीज और अनोड यानी जिंक इनका जब डिफरेंस आप निकालेंगे देन सेल वोल्टेज कम्स 1.5 वोल्ट यूजेस क्या है इन सेल्स के आप ट्रांजिस्टर बहुत पुरानी चीज़ हो गई पुराने ज़माने में काम में आते थे टॉर्च में लेते हैं रिमोट्स में आप काम में लेते हो क्लॉक्स वगैरह में काम में लेते हो और टॉयज भी जो होते हैं बच्चों के उनमें ये काम आते हैं ड्रॉबैक्स क्या है सेल एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव किसकी वजह से है ये ये जिंक और मैंगनीज़ दोनों ही कॉस्टली मेटल्स में आते हैं तो ये एक्सपेंसिव है हैवी है क्योंकि वेट पेस्ट भरा हुआ होता है इसके अंदर कोरोजन बहुत इजीली हो जाता है इसका क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है और इसका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है क्योंकि जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता जाएगा वैसे वैसे इसका वोल्टेज कम होता जाता है और एक प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई कि ये सेल कई बार लीक भी कर जाते हैं तो लीक प्रूफ नहीं होते हैं बट मोस्ट कॉमनली काम में आने वाले सेल्स जो होते हैं वो लेकलानची सेल ही होते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज जिंक मरकरी सेल जिंक मरकरी सेल में जिंक <coughs> और मरकरी दोनों एनोड कैथोड का काम करते हैं इसलिए सेल का नाम है जिंक मरकरी सेल ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो पिक्चर देख सकते हो इसमें एक कंटेनर है जो कंटेनर सेल केन जो होता है वो स्टील का बना हुआ होता है उस स्टील के अंदर यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ओ एच और जिंक इन सब के पेस्ट भरे हुए होते हैं और ऊपर से इसको सील कर देते हैं इसका जो टॉप होता है वो नेगेटिव होता है एनोड की तरह बिहेव करता है और इसका जो बॉटम है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है और इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए इसमें गैसकेट यूज करते हैं ये इसका डिटेल डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो जो रेड कलर से कैन दिखाया गया है वो स्टील का कैन है एक्चुअली केस है इसका ब्लू कलर अगेन इसको सीलिंग के लिए बनाया गया है ऊपर से तो जिंक इसमें एनोड की तरह काम कर रहा है अपर लेयर में जिंक होता है बीच में इसमें सेपरेटर लगा होता है जो जनरली स्पंज का बना होता है पॉलीबर का बना होता है और उस स्पंज को बहुत अच्छी तरीके से इमर्स करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ के में जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है के ओ एच सेचूरेटेड जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का काम वही है इसका रिएक्शन को फास्ट बनाने का काम है अदरवाइज जिंक ऑक्साइड यूज़ नहीं होता रिएक्शन में नीचे इसमें नीचे के लेयर में यानी बॉटम में यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट भरा हुआ होता है उसमें ग्रेफाइट क्यों मिलाते हैं क्योंकि ग्रेफाइट कैथोड की तरह से काम करता है इलेक्ट्रॉन्स <coughs> के फ्लो को फीजिबल बनाने के लिए ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं तो दो चीज़ याद रखने वाली हो गई एक तो यहाँ पे एनोड की तरह काम कर रहा है जिंक कैथोड की तरह काम कर रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे के ओ एच काम में आता है सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑफ के पेस्ट के फॉर्म में जिसे भरा जाता है रिएक्शंस एनोड पर जिंक और मरकरी का जो अमलगम है अमलगम क्यों क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव होता है और इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि एक्व सॉल्यूशन में रहेगा तो कोरोड हो जाएगा तो उसको कोरोजन से बचाने के लिए यहाँ पे अलॉय के फॉर्म में जिंक मरकरी अमलगम यूज कर रहे हैं जिंक मरकरी अमलगम इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे पेस्ट ऑफ के तो के ओ एच हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्सिल आइंस जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाते हैं वाटर बनाते हैं टू इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं अब ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है कैथोड में ये वाटर के प्रेजेंस में इन टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और लिक्विड मरकरी बनाता है लिक्विड मरकरी के साथ टू हाइड्रोक्सिल आइंस जो एनोडिक रिएक्शन में यूज़ हुए थे वो वापस मिल जाते हैं तो अगर आप नेट सेल रिएक्शन यहाँ पे देखने जा रहे हैं तो वो रिएक्शन है जिंक रिएक्ट्स विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी यहाँ पे ओ एच आइंस कहीं नहीं है ना तो रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है इसका मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता है उतना इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस भी हो जाता है सेल रिएक्शन में तो इस सेल का इलेक्ट्रोलाइट कभी कंज्यूम नहीं होता सिर्फ एनोड कंज्यूम होती है इसमें मतलब एनोड और कैथोड का कॉम्पोजिशन चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है और यही चीज़ इस सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं होता है इसलिए ये सेल थ्रू आउट इट्स लाइफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है और इसका पोटेंशियल है कितना 1.35 पॉइंट थ्री ये इस सेल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जिंक मरकरी सेल या फिर ये पूछा जाता है कि व्हाई डज इट सेल प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ तो उसका आंसर आपको यही देना है क्योंकि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं होता है इसलिए ये सेल कॉन्स्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है इसके यूजर्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी सेल का यूज़ छोड़ना नहीं है क्योंकि आजकल एम आते हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं ट्वेंटी मार्क्स के तो ये चीज़ें जनरली पूछ ली जाती हैं जो लो पोटेंशियल वाली डिवाइसेस हैं लो करेंट रिक्वायरमेंट वाली डिवाइसेज़ हैं वो ये सेल को यूज़ कर सकते हैं जैसे हियरिंग एड्स होती हैं एक तो कॉम्पैक्ट साइज़ होता है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका बहुत लाइट वेट होता है तो किसी भी गैजेट में आप डालेंगे तो उसका वेट इंक्रीज नहीं करता है ये रिस्ट <coughs> वॉचेज में डाल दिया जाता है और टॉयज में तो डाला ही जाता है टू टाइप्स हमने पढ़ लिए प्राइमरी सेल्स की लेकलान्ची सेल एंड जिंक मरकरी सेल मर्करी सेल बटन के फॉर्म में आता है वो सब आपने बहुत अच्छी तरह देख रखा होगा नाउ सेकेंडरी सेल्स तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को जब आप पढ़ेंगे तो उसको डिफरेंशिएट कर सकें आप इस फॉर्मेट में भी पढ़िए सेकेंडरी सेल्स में अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रीचार्ज बाय पासिंग करेंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज अगेन ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड जब कंज्यूम होती है देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड तो डायरेक्शन अपोजिट करते ही आप इस सेल को रिचार्ज कर सकते हो तो इसमें रिएक्शंस जो होती हैं वो रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं डिस कैन बी रीचार्ज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर दैन अपोजिंग पोटेंशियल वी हैव स्टडीड द कन्सेप्ट ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल कि जब भी आपको सेल रिएक्शन को रिवर्स करना हो तो सेल के ई एम एफ से ज़्यादा पोटेंशियल जब आप अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं देन सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स वही कंसेप्ट हमको यहाँ लगाना है तो अगर किसी सेल का पोटेंशियल टू वोल्ट है तो टू वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे दैन सेल को आप चार्ज कर सकते हैं अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडर अ लार्ज नंबर अंडर गो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स यानी साइकिल लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी सेल की जितनी बार आप उसको डिस्चार्ज करें उतनी बार वो ईजिली रिचार्ज हो जाए और उतनी ही क्वान्टिटी में सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दे आपको वापस तो दैट इज़ कॉल्ड गुड साइकिल लाइफ बट जनरली होती नहीं है सेल्स की थोड़ा दिन काम आते हैं कुछ साल काम आते हैं उसके बाद खराब हो जाते हैं सेल्स तो पहला सेल जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी सेल दैट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट लेड एसिड स्टोरेज बैटरी इसका कंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़रूरी है जनरली जो मार्केट में लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज अवेलेबल होती हैं वो सिक्स सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है, है। यानी उसमें सिक्स पेयर्स ऑफ एनोड एनोड एंड कैथोड को यूज़ किया जाता है तो वन पेयर ऑफ एनोड एंड कैथोड किसका बना होता है वो हमें देखना चाहिए सबसे पहली बात तो डेंजरस चीज़ ये है कि इसमें हाईली कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है और लेड यूज़ होता है और उसकी वजह से ये बैटरी बहुत हैवी होती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पे एनोड्स एंड कैथोड्स लगी हुई हैं एनोड जो बनी होती है वो लेड की बनी होती है एक्चुअल में क्या होता है लेड की ग्रिड्स यूज़ करते हैं जाली यूज़ करते हैं और उस जाली के बीच में लेड को भर देते हैं ऐसा करने से जो लेड बनता है वो पोरस बनता है और पोरस जब मटेरियल होता है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है तो ग्रिड्स में लैड को फिल कर देते हैं जिसे स्पंजी लेड भी कहते हैं दूसरा जो होता है कैथोड दैट इज़ मेड ऑफ लेड डाइऑक्साइड पी टू का बना होता है इसको लिथार्ज भी कहते हैं ये कॉमन नेम याद रख लीजिएगा कई बार काम में आ जाता है तो लेड डायऑक्साइड इज नोन एज लिथार्ज और ये जो प्लेट्स हैं अल्टरनेटिवली कनेक्टेड होती हैं और इनके बीच में सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट फिल किया होता है हर एनोड और कैथोड के बीच में एक सेपरेटर लगा होता है और हर सेल के बीच में भी एक सेपरेटर लगा होता है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए सेपरेटर कैथोड फिर सेपरेटर फिर एनोड फिर सेपरेटर यानी जितने भी प्लेट्स होंगी सेल का जो मार्केट में बैटरी अवेलेबल होती है तो जनरली ट्वेल्व की होती है हमारे व्हीकल्स में लगी होती है, पता है। ये इंडस्ट्रियल सेटअप है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी का इसमें आप देख सकते हो कि प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स को बीच बीच में फंसा दिया जाता है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं जैसे आप अपनी फिंगर्स लें और उन फिंगर्स को क्रॉस जब आप करते हैं तो दो फिंगर्स के बीच में एक दूसरे हाथ की फिंगर फंस जाती है उस तरीके से एक प्लेट की ग्रूव्स के बीच में दूसरी प्लेट्स को फिक्स कर देते हैं और इस तरीके से ये सेल बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के लिए तो ये बहुत हाई वोल्टेज वाली बैटरी तैयार होती है बाकी कंसेप्ट वही है एनोड एंड कैथोड अल्टरनेटिवली लगी होती है रिएक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि एक तो ये सेकेंडरी सेल है तो इसमें दो तरह की रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड ड्यूरिंग रीचार्जिंग एनोड इज मेड ऑफ ग्रिड ऑफ लैड फिल्ड विद स्पंजी लैड स्पंजी लैड इज नथिंग बट द पोरस लैड कैथोड इज ग्रिड ऑफ लैड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट थर्टी एट परसेंट सोल्यूशन ऑफ एच टू एसओ फोर सेल रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब है सेल इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एनोड पर जो लेड है सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टेक्ट में आके टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है फिर ये टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए लेड डाइऑक्साइड तक जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में लेड सल्फेट बनता है वाटर बनता है और टू इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाते हैं तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है एट एनोड जीरो से प्लस टू है और एड कैथोड प्लस फोर से प्लस टू है ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर आ जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे देन ओवरऑल रिएक्शन लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस एच टू एसओ फोर लेड सल्फेट बनता है और वाटर बनता है वॉट इज कॉमन एनोड पे भी लेड सल्फेट ही बनता है और कैथोड पे भी लेड सल्फेट ही बनता है लेकिन दोनों अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं आप देख रहे हो यहाँ पे कि एच टू इस फोर इज गेटिंग कंज्यूम्ड तो जैसे जैसे सेल वर्क करता है सल्फ्यूरिक एसिड का कंसनट्रेशन डिक्रीज होता जाता है वो डाइल्यूट हो जाता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी कम हो जाता है और जब कंसनट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुँच जाती है तो सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है अब उस सेल रिएक्शन को स्टॉप जब हो जाती है तो उसको दोबारा से रीचार्ज करना पड़ता है तब फिर वो सेल रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो सकती है इस सेल का जो पोटेंशियल है दैट इज़ टू वोल्ट ये चार्जिंग वाली रिएक्शंस हैं लेड स्टोरेज बैटरी की अब जो एनोड था वो कैथोड बन गया है और जो कैथोड था वो एनोड बन गया है चार्जेस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है जब सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लेकिन जब सेल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो कैथोड पे रिएक्शन रिडक्शन की होगी लेड सल्फेट जिसमें लेड का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है इट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड टू लेड अगेन जो एनोड है उसका लेड सल्फेट टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप देख रहे हो ओवरऑल रिएक्शन में लेड और लेड डाइऑक्साइड रीप्रोड्यूस हो जाते हैं साथ में एच टू एस ओ फोर भी रीप्रोड्यूस हो जाता है तो एच टू एस ओ फोर का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है और एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद आप सेल को फिर से यूज कर सकते हो तो फॉर चार्जिंग ऑफ द सेल एक्सटर्नल वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन टू वोल्ट जैसा कि अभी बोला था कि ई एम एफ ज़्यादा होना चाहिए अपोजिट पोटेंशियल ऑन कम्प्लीट चार्जिंग एसिड री स्टोर इट्स कंसनट्रेशन अप टू थर्टी एट परसेंट ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज़ होता है जनरली और इन्वर्टर में जो इसका बैटरी होता है बताया था मैंने आपको सिक्स सेल सीरीज में लगे होते हैं जिनका टोटल वोल्टेज होता है ट्वेल्व वोल्ट्स ड्रॉबैक्स क्या है लेड की वजह से बहुत हैवी होता है और लैड एक पॉइजनस मेटल है टॉक्सिक मेटल है इसलिए ये पॉल्यूशन भी कॉज करता है बहुत रिस्क है इसको यूज़ करने में बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ एक टैंक अगर आपके घर में रखा होगा देन ऑब्वियसली इट इज़ रिस्की लेस साइकिल लाइफ बार बार अगर इसको यूज करते हैं तो इसकी बैटरी ख़राब हो जाती है लेस एनर्जी एफिशिएंसी जितना मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग पूरी एनर्जी ये सेल कभी प्रोवाइड नहीं करता इसकी एनर्जी एफिशिएंसी कम होती है अब एक और बात जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो ये है कि लेड को ही क्यों यूज़ किया हमने स्टोरेज बैटरी बनाने के लिए तो अभी हमने लेकलची सेल में और जिंक मर्करी सेल में देखा कि जिंक को हमने एज एनोड यूज़ किया तो जिंक इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल और इसके कोरोजन का बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इस कोरोजन वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे लैड को यूज़ करते हैं लैड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से रिएक्शन नहीं करता तो रिएक्शन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है अगर हमने यहाँ लेड की जगह जिंक या आयरन या कोई निकल टाइप का मेटल यूज़ कर लिया होता तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करके डिजोल्व हो जाता है उसमें और फिर सेल धीरे धीरे खराब हो जाता है कुछ बातें हमारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें हमें कुछ कुछ टाइम बाद पानी डालना पड़ता है तो साइंटिफिकली अगर आप सोचें केमिस्ट्री के स्टूडेंट की तरह से आप सोचें तो जब सेल का एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और जितना कंजम्पशन हुआ था उतना रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है हमें पानी डालने की क्योंकि जब रिचार्जिंग होती है तो वाटर कंज्यूम होता है और जब सेल यूज़ हो रहा होता है तो पानी प्रोड्यूस हो रहा होता है फिर वाटर की ज़रूरत क्या है तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई सेल वर्क कर रहा होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है जूल स्लॉ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो यहाँ पे एच इक्ल्स आई स्क्वायर आर टी तो उसके अकॉर्डिंग सेल को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट की वजह से जो बैटरी का वाटर है वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है तो उस वेपराइज वाटर को रीप्लानिश करने के लिए आपको इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना पड़ता है दूसरी बात क्या है कि सेल वर्क करता है ये बात ठीक है लेकिन जब सेल को आप रिचार्ज कर रहे होते हो तो वापस उतना मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता जितना प्रोड्यूस होना चाहिए तो कुछ मटेरियल अनयूज रह जाता है हमेशा उसकी भी क्वांटिटी को पूरी करने के लिए आपको ऊपर से वाटर ऐड करना पड़ता है नेक्स्ट सेल इज़ निकल कैडमियम बैटरी ये निकेल कैडमियम बैटरी जनरली जो मार्केट्स में अवेलेबल होती है वो बिल्कुल लेकलानची सेल की तरह से ड्राई सेल की तरह से ही दिखती है यानी डबल ए साइज़ में आती है अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि इसमें लेयर्स होती हैं बहुत सारी Uh, जो कि एनोड और कैथोड की बनी होती है जिनके बीच में सेपरेटर्स लगे होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं निकल हाइड्रोक्साइड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की जगह पर हम यहाँ पे कैडमियम यूज़ कर रहे हैं कैडमियम की एक लेयर फिर सेपरेटर फिर निकल हाइड्रोक्साइड की लेयर फिर सेपरेटर इस तरीके से एक रोल बना के उसको ग्रेफाइट के रॉड के चारों तरफ डाल दिया जाता है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं तो इस तरीके से निकल कैडमियम बैटरी बनाई जाती है एनोड है इसमें कैडमियम कैथोड है निकल कोटेड विद निकल डाइऑक्साइड या निकल हाइड्रोक्साइड भी आप बोल सकते हो यहाँ पे क्योंकि एक्वस मटेरियल में यूज करते हैं तो निकल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो निकल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहता है इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड के ओ का पेस्ट यूज़ किया जाता है एनोड की रिएक्शन में है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट है के वो अपने हाइड्रोक्सिलइंस प्रोवाइड करता है कैडमियम गेट्स ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ये टू इलेक्ट्रॉन्स को निकल गेन कर लेता है और निकल रिड्यूस हो जाता है तो निकल प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि टू ओ एच माइनस आइंस यूज हो रहे हैं और टू ओ एच माइनस आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ भी कंज्यूम नहीं होते हैं और ये सेल भी कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है तो इसका जो पोटेंशियल है वो 1.30 पॉइंट वोल्ट है इसके यूजेस बिल्कुल वही है जो ड्राई सेल और लेक्लांची सेल के यूजेस होते हैं एडवांटेज क्या है लॉन्ग लाइफ है लेड स्टोरेज बैटरी के कंपेरिजन में इसकी साइकिल लाइफ ज़्यादा होती है लेकिन ओवर चार्जिंग इसको डैमेज कर देती है जो लेड एसिड स्टोरेज बैटरी होती है वो ओवर चार्जिंग के लिए रेजिस्टेंट होती है अगर ओवर चार्ज भी हो जाए तो बैटरी खराब नहीं होती लेकिन निकल कैडमियम बैटरी को अगर ओवर चार्ज कर दिया तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पढ़ा रही हूँ लीथियम आयन बैटरी ये आपके एन के सिलेबस में नहीं है लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं हमारे लैपटॉप्स हैं और ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनमें जो बैटरी यूज़ की जाती है वो लीथियम आयन बैटरी होती है इसका नाम लीथियन आयन बैटरी क्यों है क्योंकि तो जनरली ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं चार्ज कैरियर के तौर पे लेकिन लिथियम आयन बैटरीज़ में लीथियम आइन्स फ़्लो करते हैं चार्ज कैरियर के तौर पे तो इसलिए इसको लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए अच्छी तरह से इसमें दो रॉड्स या दो प्लेट्स होती हैं एक एल्यूमिनियम की बनी होती है जिसे कैथोड की जगह पर लगाते हैं और एक कॉपर की बनी होती है जिसे एनोड की जगह पर लगाते हैं इनके बीच में एक पोरस सेपरेटर होता है जो पॉलीमर का बना होता है एक तरफ ग्रेफाइट फिल किया हुआ है जिसमें लिथियम आयंस ट्रैप्ड होते हैं दूसरी तरफ कोबाल्ट ऑक्साइड फिल किया होता है जिसमें लिथियम आयंस ट्रैप्ड होते हैं तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझ लो तो ये जो हैगजा बने हुए हैं ये ग्रेफाइट को शो कर रहे हैं ग्रेफाइट यहाँ पे दो तरीके से यूज़ किया जाता है या तो पूरा का पूरा क्रिस्टल ग्रेफाइट का यूज़ कर लिया जाए या फिर टू डायमेंशनल लेयर्स यूज़ की जाती हैं ग्रेफाइट की दैट इज़ कॉल्ड ग्रेफीन तो ग्रेफीन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स बना के यहाँ पे रख दिया जाता है जिनमें बीच बीच में लिथियम आइन्स ट्रैप्ड होते हैं और दूसरी साइड यहाँ पे मेटल ऑक्साइड यूज़ करते हैं इस मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में या तो कोबाल्ट ऑक्साइड या मैंगनीज ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं कोबाल्ट अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन कोबाल्ट इज़ वेरी कॉस्टली और दूसरा लीथियम भी बहुत कॉस्टली होता है इसकी वजह से ये जो मोबाइल वाली बैटरीज होती हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है वर्क कैसे करती है एनोड जो है लीथियम अलोंग विद ग्रेफाइट वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लिथियम आयन सेपरेट हो जाता है ये लिथियम आयन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है कैथोड के पास जाता है और कैथोड इसको ट्रैप कर लेती है और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो दो चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड और इनर सर्किट में लिथियम आइन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है एक हमेशा नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लेकिन ये, ये बैटरी एक ऐसी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इनर सर्किट में पॉजिटिवली चार्ज लिथियम आयंस फ्लो करते हैं तो ये एक स्पेशल टाइप की बैटरी है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यहाँ पर लिथियम के कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करते हैं नॉन एक्वस मीडियम में पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिथियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो विगरसली रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है तो पानी यूज़ नहीं कर सकते इसलिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डाइथाइल कार्बोनेट में लीथियम का एक सॉल्ट मिला देते हैं लीथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड लॉन्ग लाइफ है इसकी कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है एफिशिएंसी बहुत हाई है इसलिए इसका यूज़ आजकल बढ़ रहा है रिसर्च भी चल रही है कि इसको अगर व्हीकल्स में यूज़ कर सकें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि लेड एसिड बैटरी बहुत हैवी होती है तो उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आपने रख दिया पुट कर दिया तो उसका वेट बढ़ जाएगा और जब वेट बढ़ जाएगा तो अगेन आपको ज्यादा पावर चाहिए उसको रन करने के लिए इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है लेकिन अगर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे बट लिथियम आयन बैटरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है तो एक ऐसा सब्सटीट्यूट ढूंढना पड़ेगा जिसका कॉस्ट कम हो और वेट भी कम हो और एफिशिएंसी ज़्यादा हो ये इसका मैकेनिज्म है मैकेनिज्म में आप देख सकते हो यहाँ पे कि लीथियम आइंस फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड और बाहर के सर्किट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड और जब चार्ज करते हो आप तो ये रिवर्स हो जाता है कैथोड टू एनोड लीथियम फ्लो करेगा और कैथोड टू एनोड ही इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है पर आप यहाँ पर फोर टाइप्स ऑफ सेल बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे टू एग्जांपल्स प्राइमरी सेल के हैं और टू एग्जांपल्स यहाँ पे सेकेंडरी सेल्स के नेक्स्ट इज़ फ्यूल सेल लेकिन उससे पहले ये कंपैरिजन दिया हुआ है एनर्जी डेंसिटी का निकल कैडमियम निकल मेटल हाइड्राइड ये हमने नहीं पढ़ा है लिथियम आयन और लेड स्टोरेज आप एनर्जी डेंसिटी की बजाय ओवर चार्ज टॉलरेंस देखिए कि लेड एसिड बैटरी का ओवर चार्ज टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है और वही वजह है कि ये बैटरी मोस्ट पॉपुलर है निकल कैडमियम बैटरी महंगी होती है लेड एसिड बैटरी से तो इसलिए उसका पॉपुलरिटी कम है अदरवाइज निकल कैडमियम बैटरी इज अ गुड बैटरी फ्यूल सेल्स फ्यूल सेल्स इज द डिवाइस इन विच गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ कम्बस्शन ऑफ़ एन एलिमेंट इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल वर्क जब आप कोई फ्यूल जलाते हो तो उसका कम्बस्शन कर रहे हैं हम और उस कम्बस्शन में हम क्या करते हैं कि उसका जो भी हीट होता है उसे यूज़ कर लेते हैं एनर्जी के तौर पे यहाँ पे भी वही करने वाले हैं हम किसी भी फ्यूल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे और ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद जो उसकी गिब्स एनर्जी होती है उस गिब्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे मतलब यहाँ पर नॉर्मल कम्बस्शन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन इज़ टेकिंग प्लेस और वो कितना मिलेगा आपको सेल वोल्टेज इट डिपेंड्स ऑन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट इक्वल्स माइनस एन एफ ई नॉट सेल इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि किसी सेल से हमको कितना पोटेंशियल मिल सकता है तो डायरेक्ट कम्बशन डज़ नॉट टेक प्लेस कि आपने कार्बन को जलाना है या कोयला को जलाना है और उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना है ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ कर रही हूँ तो हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड इन बाय ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली बाय कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल ये एडवांटेज है इस सेल का जो हम लास्ट में पढ़ते हैं लेकिन मैं अभी बता रही हूँ आपको पहले तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए बाय प्रोडक्ट्स आर नॉन टॉक्सिक जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो टॉक्सिक नहीं होते हैं तो उनके डिस्पोजल का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस्ड क्योंकि सप्लाई कॉन्स्टेंट है रिएक्टेंट की तो वोल्टेज भी कोई कमी नहीं आने वाली एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल एल्कोहल ऑक्सीजन फ्यूल सेल एसिटिलीन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यानी किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए वो आप फ्यूल सेल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं हर फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल डिस्कस कर रहे हैं आप थोड़ा इसके सेटअप को ध्यान से देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोड्स काम में आती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं जिनकी चारों तरफ प्लेटिनम की कोटिंग होती है क्योंकि प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन पॉसिबल है एक साइड से राइट साइड से ऑक्सीजन को पास कर रहे हैं लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन को पास कर रहे हैं ऊपर से देखिए जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंज्यूम हो सकता है उतना हो जाता है बाकी जो बचा हुआ होता है वो वापस बाहर निकल जाता है और बाहर निकलता है उसको रिसाइकल कर दिया जाता है जैसे ही हाइड्रोजन प्लेटिनम के कॉन्टैक्ट में आती है ऑक्सीडाइज हो जाती है ऑक्सीजन प्लेटिनम के कॉन्टैक्ट में आती है रिड्यूस हो जाती है जो हाइड्रोजन आइन्स बनते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ट्रेवल करते हुए ऑक्सीजन वाले चैम्बर में पहुँच जाते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं इस पूरे सेटअप में इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो हाइड्रोजन लूजर्स इलेक्ट्रॉन वो आउटर सर्किट से मूव करते हुए ऑक्सीजन के पास पहुंचते हैं ऑक्सीजन उनको गेन कर लेता है इस पूरे प्रोसेस में वाटर बनता है अब उस वाटर को यूज करने के कई तरीके हैं वाटर को एब्जॉर्ब कराने के लिए या तो कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर यूज़ कर लेते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एन यूज़ कर लेते हैं दोनों ही ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब ये एक पर्टिकुलर लेवल तक डाइल्यूट हो जाते हैं वाटर के एब्जॉर्बशन से तो इनको रिप्लेस कर देते हैं अब क्योंकि ये सेल है और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई तो ऑक्सीजन फायर कैच कर सकती है उससे बचने के लिए इस सेल के चारों तरफ एक थिन जैकेट अप्लाई की जाती है वाटर की जिससे हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वाटर रिसाइकिल करते रहते हैं बार बार जिससे ठंडा पानी अंदर डालते रहते हैं और गर्म पानी बाहर निकालते रहते हैं तो ये पूरा जो प्रोसीजर है वो फ्यूल सेल का सिस्टम है इस सेटअप को और ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने के लिए इसका स्केमेटिक डायग्राम देख लीजिए एक साइड से ऑक्सीजन का फ्लो दूसरी साइड से हाइड्रोजन का फ्लो बचा हुआ हाइड्रोजन हीट के साथ बाहर निकल रहा है बचा हुआ ऑक्सीजन हीट के साथ बाहर निकल रहा है बीच में दो तो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं लाइट ऑरेंज कलर के और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एन फिल किया हुआ ये एन का सॉल्यूशन धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करके डाइल्यूट होता रहता है और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो एन के इस सॉल्यूशन को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे देन वी कैन जनरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगेन तो पूरे प्रोसेस में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा जो पॉइजनस है या टॉक्सिक है या जो पॉल्यूशन कॉज कर सकता है इसलिए ये इको फ्रेंडली सेल होता है ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर अगर आप इस चीज़ का एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं रिएक्शंस एनोड क्या है प्लेटिनाइज कार्बन प्लेटिनाइज मतलब कोटेड विद प्लेटिनम कैथोड भी वही है प्लेटिनाइज कार्बन या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोलाइट <coughs> के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्वस एन सेल रिएक्शन एन के ओ एच आइन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन गेन कर रही है और हाइड्रोक्साइड आइन्स में कन्वर्ट हो रही है तो जितने हाइड्रोक्साइड आइन प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही रिएक्ट भी कर रहे हैं फाइनल इक्वेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर सेल पोटेंशियल वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट थर्मल एफिशिएंसी जो इस रिएक्शन की होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वो फोर्टी परसेंट होती है मतलब अगर आपने वन लीटर और वन लीटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लिया तो उसका पॉइंट फोर लीटर यूज होगा बाकी पॉइंट सिक्स लीटर उसका यूज़ नहीं होगा इलेक्ट्रिकल एफिशियंसी इज अबाउट सेवेंटी यानी जितना आप एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका सेवेंटी परसेंट एनर्जी आपको ये सेल प्रोड्यूस करके देगा इसका जो फर्स्ट यूज़ हुआ था वो अपोलो स्पेसक्राफ्ट में हुआ था व्हीकल्स में इसका यूज़ प्रपोज्ड है अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है क्योंकि हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव होती है तो उसको इजीली यूज़ नहीं किया जा सकता वही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अदरवाइज इसमें कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है